ऐसे नहीं होगा, इसलिए जाइए महाराज भजन करिए, भजन संध्या करिए, हमें कोई कष्ट नहीं है, बहुत लोग करते हैं, तुम्हें करो। अच्छा और क्या, जीवनोपार्जन करो, कथा सुनो, ब्राह्मणों बढ़िया से बढ़िया कथा वाच की करो तो उसमें दक्षिणा मिलेगी, उसमें भी जीवन कट जाता है बहुत लोगों का। कुछ भी करो, न्याय धनुष तोड़ने वाले का विरोध न करो, क्योंकि साधारण नहीं है, सामर्थ्यवान व्यक्ति है। एक बात बता दूं, आपने जो पहले कहा था मैं उस क्रम को पूरा कर रहा हूं, हसी हमारे जाना सुनहु देव सब धनुष समाना, सभी धनुष समान होते हैं। क्यों समान होते हैं, एक स्थिति बता रहा हूं, सभी धनुषों से एक ही काम किया जाता है, बाण चढ़ाकर छोड़ दिया जाता है। तो सुनो देव सब धनुष समाना का छतिलाभ, जीर्ण धनुष तोड़े देखा राम नैन के भोरे, छुअट टूट रघुपति न दोसु। धनुष तोड़ने वाला साधारण नहीं है, छुअट टूट। विचार करो, जिस धनुष को आप बता रहे थे कि त्रिभुवन विदित है, ये विदित सकल संसार विश्व विख्यात धनुष है ये, और उस विश्व विख्यात धनुष को जिन्होंने छूते ही तोड़ दिया, वो साधारण लोग। छुअट टूट रघुपति न दोसु मुनि बिनु काज करिए, इसलिए समझा रहा हूं। बड़ी आनंद से जाइए, धनुष तोड़ने वाले का विरोध न करिए। वही महाराज देवता नगर में भी प्रवेश, तो एक क्षण में मजा चखा देता, अरमान मिटा देता, दिल के फर्श की याद बुला देता, लेता में फर्शा और करके संग्राम दिखा देता, बार बार पुरुष दिखाना, मुंज अभी फुला देता, महेंद्राचल की रात पकड़ा देता। बढ़िया हो गया। और भाई बलदेव प्रसाद कुशवाहा आपकी ओर से, तुमने कहा कि दबो नहीं। अच्छा बढ़िया बोल लेते हो, राजन तुमको हम दब रहे हैं। एक तुम्हारी बात ने सोचा शायद हमने क्रोध कर दिया। अच्छा, तो डर गए। अच्छा, हाँ, क्रोध वैसे भी तुम्हारा क्रोध बहुत खतरनाक है, बहुत खतरनाक है, जानते हो। डगमगाने मही दिग्गज डोले, दिग्गज डोले बड़े बड़े दिग्गज, लेकिन ये भी क्रोध करने लगे तुम्हें देख के। कौन ये बिना मुझे देख के नहीं। अच्छा ये बहु ये अपने मन से करते रहते, इनके क्रोध का कोई महत्व नहीं। लेकिन तुम्हारे क्रोध से दुष्टों को कोई फर्क नहीं पड़ा राजकुमार, दुष्टों को नहीं पड़ा। चलो अब देखो, तुमने कहा सकल लोग सब भूप डराने, अब कोई नहीं शेष है। और देखें श्री राम लीला समिति गंज के आप कोषाध्यक्ष जी हैं, हमारे श्री महिपाल सिंह जी कोटेदार साहब आपकी ओर से 100 मुद्राएं दोनों विभूतियों के श्री चरणों में उन्होंने सादर समर्पित किए हैं, उनके लिए मंगल कामना है। बहुत बहुत धन्यवाद। वो 5 किलो तो मिल ही रहा है। नहीं नहीं व्यासी, 5 किलो नहीं, इसको 10 किलो मिलेगा ना, क्योंकि अब इस थोड़ी देर में होना है, 1 से 2 यूनिट ना बढ़ गए। इतने जोड़ोगे तो फिर अभी आगे हमें बढ़ने। नहीं नहीं नहीं, तुम्हारी 2 यूनिट होनी है ना। अरे हम लोग देने वाले हैं, लेने वाले। अरे नहीं नहीं, अभी तुमने कहा है लेने के लिए। कहा आपके लिए कहा। नहीं नहीं नहीं, तो उनसे कह दो ना, व्यवस्था तुम्हारी करवा। आगे क्या है, ये ठीक है, चलो ये ठीक है। इसलिए कहा व्यासी कि क्रोध से कल्याण नहीं होता। अब बेटा देखो, क्रोध से ही कल्याण कहाँ हुआ, केवल तुम्हारी भर नहीं, पूरी दुनिया का हो रहा है। पूरी दुनिया का हो गया। कैसे, कैसे? क्योंकि देखो, तुम्हारे परिवार के 1000 सगर पुत्रों को हाँ हाँ एक ब्राह्मण ने आंखें खोली तो सब स्वाहा, कल्याण हो गया। देखिए स्वाहा, स्वाहा होना कल्याण नहीं है। इसके बाद देखो, मतलब अगर ये कारण ना हुआ होता तो तुम्हारे पुरखा भगीरथ गंगा को ना लाए होते, और गंगा को ना लाए होते तो आज इतने लोगों का कल्याण लगातार न चल रहा होता। तो देखो कारण है। अच्छा, कल्याण गंगा से हो रहा है कि जो 60,000 जले रहे उनसे हो रहा है? नहीं नहीं, 60,000 नहीं, कारण कौन बना गंगा को लाने का? अच्छा ये कारण बना, ये कारण बना। नहीं, अरे महाराज, जिस समय पर कपिल जी ने क्रोध किया तो 60,000 जला दिए, जला दिए, फिर 60,000 जला दिए, 60,000 को कल्याण कराने के लिए गंगा का अवतरण हुआ। तो क्रोध अगर मूल में क्रोध ना होता जब चलते कैसे? जब क्रोध किया 60,000 जल गए, जल गए, गंगा अपने आप आ गई। नहीं, लेकिन कारण तो क्रोध करना ही है। तो ये समझो ना, सुनो तुम कि क्रोध से अब तुम सुनो इधर,
क्रोध से, क्रोध से रुक जाओ, सुना करो बहुत डांटते हो आप। अच्छा, इतना ना गुस्सा, इतना क्रोध की आवश्यकता हमारे जीवन में नहीं है। अच्छा, जिस समय पर कपिल जी ने क्रोध किया तो 60,000 जल गए और फिर गंगा कब आई? जब तुम्हारे पुरखा भगीरथ ने तपस्या करी। भगीरथ फिर सगर के कितने पीढ़ी बाद निकले? तीन पीढ़ी बाद भगीरथ, असमंजस, अंशुमान, दिलीप और फिर भगीरथ। तो इन जो समय का ये अंतराल रहा है, इस समय में होता क्या रहा है? इस समय में यह होता रहा है कि जब कपिल मुनि ने 60,000 जला दिए तो फिर असमंजस ने जाकर के उनसे निवेदन किया कि अब इनका उद्धार कैसे होगा। तो जब उन्होंने निवेदन किया तो फिर उन्होंने अनुग्रह किया कि गंगा ही है जिनसे उद्धार हो सकता है। तो असमंजस ने प्रयास किया, अंशुमान ने भगवान शंकर की भक्ति किया, दिलीप ने प्रयास किया, लेकिन जब प्रयास भगीरथ ही हमारे जो पूर्वज थे उन्होंने प्रयास किया तो फिर उनके प्रयास के बाद सफलता मिली। तो ये हमारी चार में क्या है, गंगा धरती में आई है, ये हमारी उन चार पीढ़ियों का प्रयास है। अच्छा, नहीं कपिल मुनि ने तो बिल्कुल सहाय कर दिया था, तो क्रोध से विनाश ही हुआ था। विनाश हुआ, लेकिन विनाश से के मूल में क्या छिपा हुआ है? लेकिन महाराज कर्म है, कर्म का परिणाम। अगर 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 आवश्यकता न होती तो गंगा का अवतरण न होता रहा। देखिए, तो फिर संसार में जैसे भगवान आते हैं, तो भगवान आते हैं तो आवश्यकता होती है तभी आते हैं। जैसे भगवान आते हैं तो किसको मारने के लिए आते हैं? दुष्टों को। तो पहले दुष्ट पैदा करो तो भगवान पैदा होते हैं। बढ़िया बढ़िया बुद्धि लगा भाई। अगर संसार का कल्याण भी कराना है राजकुमार, तो दुष्टों को भी पैदा करना। जैसे भगवान कहते हैं कि जब अधर्म होगा, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर् भवति भारते, जब अधर्म बढ़ेगा तो मैं आऊंगा उसको मिटाने के लिए। तो अगर भगवान को धरती में बुलाना है तो सीधी सी बात है, अधर्म करो, है ना, राक्षस बन जाओ। अच्छा, यही मनुष्यता? नहीं, ऐसा थोड़ा है, यही मनुष्यता है? नहीं, जब राक्षस बन जाओ परमात्मा को प्राप्त करने केवल एक ही साधन थोड़ा है राजकुमार। ऐसा लगा रहे हो, परमात्मा स्वयं कहते हैं, कहते क्या है, पहले तुम जइयो बेटा, सावधान। अब ऐसे नहीं बनेगा, अब दूध हाथ हो जाए। चलो, बहुत देर हो गया। चलो, सूर समर करनी करें कहीं न जना वहीं आप विद्यमान रन पाए रूप कायर कथई प्रताप भूल रहे हो ये सब कर्म करो डर फान बो समय भूल रहे हो सकर्म करो डर फान बो समय भावम मुकाबला जब दशरथ के लाल छ ताकि हो महेंद्रा चल सूरत ना दिखाई हो लौटा हम रघुवंशी वीर लड़े रण में भी काल छ इसलिए सराय मानो ये धनुष को चुरा लो फरसे को छुपा लो कहीं धोखा ना हो जाए। तो बेटा सुनो, ये आराम से लगवा नहीं। अच्छा, हमने तुम अपना सोचो, ये धरा धसेगी, प्रलय मचेगी, भूतल सारा कांप उठेगा, त्राहि त्राहि सब लोग पुकारे, चारों ओर हाहाकार मचेगा, निपट निरंकुश तू अपने भगने का अनुमान लगा, नहीं तो ये भगवंशी अपने परस को चलाए। अरे महाराज, फरसा को चलाओगे? बस आज भूल जाओ सेखी, नहीं सारा गर्व मिटा दूंगा, अपने बाणों की घातों से सीधे यम पर पहुंचा दूंगा, ब्राह्मण की नाइयां से तो चरणों पर मस्तक धरता, कहे शांति देव, कहे शांति धाम, कहे चंद्र तुरंत पूजा करता, पर आप धर्म खो बैठे हैं, धर्मानी सी से धारा है, अब अगर नहीं मानोगे तो लड़ना। आज बिचारा है तो लाल लाल लोचन, लाल लाल लोचन लखाई जो लख लाल, लले लोकपालों की लाशें बिठ जाएंगी, लड़ने की लालसा, लड़ने की लालसा लखाई जो लखन लाल, तो लिखता को लिखने को लेख नहीं ले आएगी, लाल लाल लोचन लखाई जो लखन लाल, तो लाशों पर लाशों के ढेर लग जाएंगे। आज चंचल सी चोट करे ये चाप के चकोर, चट चौगिर्दी चपला सी चोट करे चट चट, बाढ़ चलेंगे तो फिर देखना।
झंझा झंकोरेगी, झंझट में झट झट, तो झंझा के झकोरों में झांकोगे झाक झाक पूनम का प्रभासो, ये प्रकाश होत पृथ्वी पर और परशुराम जी पकड़ प्रसु, भागोगे पट पट ज्ञानी विज्ञानी मुंध्यानी आँख खोल ले नहीं कुछ नहीं में गृह अंग काट। अच्छा क्या आगे आंखें ना दिखाओ, बोलो जल्दी। अच्छा अभी भाग जाओगे बेटा, देखते हैं। लाल लाल लोचन काहे भाग रहे हो, लाल लाल लोचन लखाई जो लखन लाल, लाल लाल लोचन लखाई जो लखन लाल, तो याद रखना कि हम तुम्हारी वीरता की, हम तुम्हारी वीरता की प्रबल धारा मोड़ देंगे, और दिखाई जो ये लाल लाल आंखें तो आंखें तुम्हारी फोड़ देंगे। ये तो ठीक नहीं, आंखें देना चाहिए लेकिन लेना नहीं चाहिए, लोग नेत्र दान करते ये कहते हम आंखें तुम्हारी फोड़ दे, ये अच्छी बात नहीं है ना। अरे संसार से उसकी दृष्टि चली जाएगी तो उसकी सृष्टि चली जाएगी, आंखें वाखे नहीं फोड़ो है, ये अच्छी बात नहीं है। देखो महाराज, हाँ हमारे और हमारी आंखी फोड़ दिया आपने अगर, तो समस्या हो जाएगी, क्योंकि हमारे वंश में एक नियम है, हमारे माताजी पिताजी कह देते हैं कि हमारे बेटी हमारे आंखें मुने राम भरत दुई आंखी, तो इसलिए ऐसा ना करना, नहीं कई लोगों का अनहित हो जाएगा, ये आंखें नहीं फोड़ो। देखिए महाराज अब बढ़िया करो, अच्छा काम करो, हमारा जीवन परिचय है। मैं कठिन पंथ का पथिक लला, इतना सरल नहीं हमारे साथ चलना महाराज, मैं कठिन पंथ का पथिक लला, करता नित झंझा बातों से प्राकृतिक प्रकोप ना हिला सके हमको अपनी आघातों से, मैं चला चाह जब जिस पथ पर, चलते रहिए यही काम है बैठना नहीं है, मैं चला जहा जब जिस पथ पर, तो नहीं देखा हमने आदि अंत, वर्षा व ग्रीष्मया शरद शिशिर हेमंत और पीता बसंत, सुख से न राग दुख से न द्वेष, महाराज सुख से मैं प्रसन्न नहीं हूं और दुख से नाराज नहीं हूं, मेरे जीवन में दोनों बराबर है, सुख आए वो भी बढ़िया और दुख आए उसका भी स्वागत है महाराज, ये मेरा जीवन परिचय है। सुख से न राग दुख से न द्वेष, मैं हुआ पृथक जगनातों से, संसार के नातों से मैं पृथक हो गया हूं, क्यों? क्योंकि मैं उस नियमावली में पहुंच गया हूं जो प्रभु ने कहा था कि सबके ममता ताग बटोरी और ममपद मन ही बांध बर डोरी, ये जो ममता के 10 स्थानों में जीव के धागे जुड़े हुए होते हैं ना, इन सभी धागों को एक करके एकत्र करके डोरी बनाओ और डोरी बना के मेरे चरणों में बांधते हो, क्यों उन्होंने ऐसा कहा, क्यों? इसलिए कि जब तक ये हमारे जो संबंध है, संबंध रूपी धागे हैं, ये सीधे हमसे जुड़े रहेंगे तो ये टूट भी सकते हैं, लेकिन अगर परमात्मा से जुड़ जाएंगे तो फिर ये टूटने नहीं पाएंगे, क्योंकि उनकी जिम्मेदारी हो जाएगी। और मेरा सिद्धांत ऐसा ही बन गया है, गुरु पितु मातु न जानो काहू कहूं स्वभाव नाथ पतिया, मोरे समय एक तुम स्वामी, तो मेरे सारे संबंध यहीं से प्रारंभ है और यहीं समाप्त हो जाते हैं, ऐसा मेरा जीवन परिचय है, सबके जीवन में ऐसा होना चाहिए, मैं तो यही कहता हूं। सुख से न राग दुख से न द्वेष, सुख से न राग दुख से न द्वेष, सुख से न राग और दुख से न द्वेष, मैं हुआ पृथक जगनातों से, मैं हुआ पृथक जगनातों से, मैं कठिन पंथ का पथिक लला, करता नित झंझा बात से। तो मेरा जीवन परिचय है कैसा,
कि मैं अबिरल पथ का राही हूँ, मैं अबिरल पथ का राही हूँ, रुकना मुझको स्वीकार नहीं, मैं स्वाभिमान का प्रबल समर्थक, झुकना मुझको स्वीकार नहीं, ईमान ईमान बेच दूं टुकड़ों में, ये मेरे बस की बात नहीं, ये जीवन मेरा दास बना पर मैं जीवन का दास नहीं, क्यों? क्योंकि मेरे जीवन में लखन लाल क्या हुआ? कितनी बाधाएं आई पर? कितनी बाधाएं आई, ये विघ्न विहुनित चले मगर पर कभी निराशा ना छाई, क्योंकि मैं आशा आशावादी मानव हूँ, हो सकता कभी निराश नहीं, ये जीवन मेरा दास बना पर मैं जीवन का दास नहीं। पर्वत से संघर्ष मचाकर, ये पर्वत से संघर्ष मचाकर, अरे पर्वत से संघर्ष मचाकर, ये पर्वत पर्वत ठीक है, पर्वत से संघर्ष मचाकर, अपार न जाए पानी क्या, और यदि तूफानी तेज नहीं तो चढ़ती हुई जवानी क्या, वीर वही है मर मिटने में, इस संसार के लिए लड़े और लड़ते लड़ते मर भी जाए वही वीर है महाराज, नियम है परहित सरिष धर्म नहीं भाई, और पर पीड़ा सम नहीं, कर्म तो सभी करते हैं लेकिन अगर परहित रूपी कर्म किया गया तो वही कर्म धर्म बन जाता है, इसलिए महाराज पर्वत से संघर्ष मचाकर, अरे पार न जाए पानी क्या, और यदि तूफानी तेज नहीं तो चढ़ती हुई जवानी क्या, वीर वही है मर मिटने में, वीर वही है मर मिटने में, ये पहले नाम लिखा दे जो, ओ अपना जीवन दीप बुझे पर जीवन दीप जला दे जो, विपत्ति विकट को बांध बेध कर, ये विकट विपत्ति को बांध बेध कर, और बढ़ा चले मैदानों में जब संकट के बादल घिरे आए आंधी और तूफानों में, तो शत्रु दलों को चीर गिरा दे, ये शत्रु दलों को गिरा दे, अरे बन नरसिंह अकेला जो, वीर वही है बल वेदी पर अपना शीश चढ़ा दे। मैं कैसे पंथ में चला राजकुमार, ओम मैं चला पंथ पर, मैं चला पंथ पर, शूल थे पग बिछे, मैं निकल जब गया फूल खिलने लगे, मैं चला पंथ पर, नाचता था महाकाल विकराल पर, नष्ट संतति हुई थी पराघात से, मेघ तड़पे मेघ तड़पे, बहुत बिजलियां भी गिरी, दुष्टों के कसले कसाघात पे, मैं चला पंथ पर, मैं चला पंथ पर, ले प्रलय की घटा, पाप पड़ने लगी गति बदलने लगी, पाप पड़ने लगी गति बदलने लगी, मैं पथिक वो नहीं पथ जिसे रोक ले, ढूंढने से चरण चिन्ह मिलते नहीं, मैं चला पंथ पर, पूर्ति अगर आवश्यकता से ज्यादा हो जाती है तो वो नुकसान करने लगती है, आप चिंता ना करिए, पूर्ति उतनी होगी जितनी आवश्यकता
होगी। महाराज आपने कहा मैं कुछ ऐसे पंथ का राही हूं, आपने बताया, हम एक बात आपको बताऊं, वो पथ क्या और पथिक कुशलता क्या, वो पथ क्या पथिक कुशलता क्या, जिस पथ पर बिखरे सूल न हो वो नौका क्या और नाविक क्या, जब धाराएं प्रतिकूल न हो। हमारा एक नवीन जीवन परिचय श्रेष्ठ जन कहा करते हैं, हम भारत के भरत, ऐसा हमारे गुरुओं ने बताया है कि हम कौन हैं, हम भारत के भरत, खेलते सिंहा की संतान से। ओ महाराज एक बात कहने के लिए बात धो रहा हूं कि कोई देश नहीं दुनिया में बढ़कर हिंदुस्तान से, ऐसा मैं ही नहीं कह रहा हूं, इस बात को प्रमाणित सबसे पहले भगवान शंकर ने किया है। जब मैया पार्वती ने भोले बाबा से पूछा कि संसार में इस विश्व में बहुत से देश हैं, पर कौन सा देश है जो अच्छा है, विशेष है, धन्य है, तो भोले बाबा ने बताया धन्य देश जहां सुर शरीर, वही देश धन्य है, वही देश अच्छा है, विशेष है, कहां जहां सुर शरीर है, गंगा बहती है। और ये हमारे सभी लोग जानते हैं कि हम उस देश के वासी हैं जिस देश में गंगा बहती है। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि कोई देश नहीं दुनिया में हमारे देश से बढ़कर, हमारे देश को पहले अजनाब वर्ष के नाम से जाना जाता था, लेकिन हमारे देश में एक महापुरुष का जन्म हुआ, ऋषभ देव जी के बड़े बेटे भरत जी का, और जिनके नाम के कारण हमारे देश का नाम भी भारत हो गया। हम भारत के भरत, भारत खेलते सिंहों की संतान से, ओ कोई देश नहीं दुनिया में बढ़कर हिंदुस्तान से, इस मिट्टी में पैदा होना बड़े गर्व की बात है, त्याग और बलिदान हमारे पुरखों की सौगात है, त्याग और बलिदान हमारे पुरखों की सौगात है। महाराज कहीं चहल और कहीं पहल, हम जीते मरते शान से। देखो भाई जहां मिथिला, अयोध्या से लेकर मिथिला तक की यात्रा हुई है, लेकिन हमारा जीवन कैसा है, तो लोगों ने कहा अवश्य देखिए देखन योगू, ओ जहां तहां छवि बननत सब, तो कहीं चहल और कहीं पहल, जहां कोई हमको देखना ना चाहे हम वहां नहीं रहते। कहीं चहल और कहीं पहल, हम जीते मरते शान से, और कोई देश नहीं दुनिया में बढ़कर हिंदुस्तान से। देश के प्रति हमारी ऐसी भावनाएं हैं महाराज। राजकुमार तुमने देश प्रेम की बात करी, अगर बात देश की हो तो सभी लोगों को अपने विरोधों को छोड़कर एक मार्ग पर चलना चाहिए। तुमने कहा गुरुओं ने ऐसा कहा है, तो गुरु जी ने ऐसा कहा है, व्यास जी संभालिए, ओम किया जितलक इस वसुधा में, कर न सका कोई सानी है, अब बड़े गर्व से सब मिल बोलो, हम सब हिंदुस्तानी हैं, कि बड़े गर्व से सब मिल बोलो, हम सब हिंदुस्तानी हैं, वीर शिरोमणि हुए धरा में, जो युद्ध किया था हल्दी घाटी में, और राम और कृष्ण को देखो खेले इसकी माटी में, राम और कृष्ण को देखो खेले इसकी माटी में, वेद पुराणों में भी इसकी लिखी
अमित कहानी है, अपने गर्व से सब मिल बोलो हम सब हिंदुस्तानी है। बड़े गर्व से सब मिल बोलो हम सब हिंदुस्तानी है। देखिए महाराज, आपने अपनी सहमति दिया कि जब बात देश की हो तो फिर आपस का जो बैर है वो त्याग देना चाहिए। हमारी बात के सहमत में आप भी आ गए। अब हमें लग रहा है कि आप धीरे धीरे सब कुछ समझ जाओगे। अभी हमारी बात का सहमत कर रहे हो, फिर धीरे धीरे धनुष तोड़ने वाले से भी आप सहमत हो जाएंगे, इसलिए विरोध भी कम बन रहा है। फिर से एक बात मैं कहता हूं, जब आपने बात देश की तो फिर हमें एक बात याद आ गई महाराज, कूद समर में ये देश साधारण नहीं है, आगे से वार नहीं करते लेकिन एक नियम भी है, पीछे पैर नहीं धरते। पहले से वार नहीं करते पर पीछे पैर नहीं धरते। कूद समर में हम जब आए, कूद समर में हम जब आए, कूद समर में हम जब आए, दुश्मन को ललकारने तो उंगली दांतों तले दबा ली, अचरज से संसार ने बड़ी बड़ी ज्वालाओं से बढ़ करके हैं चिंगारियां, कांटे पहले फूल बाद में देती है फुलबारियां। जब भी निकला हीरा निकला इस भारत की खान से, कोई देश नहीं दुनिया में बढ़कर हिंदुस्तान, कोई देश नहीं बढ़ कर के अपने हिंदुस्तान से। देश की बात हो गई लेकिन देश की रक्षा करने वाले सैनिकों की भी बात आवश्यक है, इसलिए मेरा कहना है लाइए ओम कि यहाँ का सैनिक युद्ध भूमि में, यहाँ का सैनिक युद्ध भूमि में गाया करता गीता, यहाँ भूमि में हल्के नीचे खेला करती सीता, यहाँ सबेरा शंख बजावे, ये संस्कृति है हमारे भारतवर्ष की, कि यहाँ सबेरा शंख बजावे लोरी गावे शाम है, हर बाला हर बिटिया देवी की प्रतिमा, बच्चा बच्चा राम है। क्यों? क्योंकि यहाँ का खाते दाना मोती, यहाँ का खाते दाना मोती, यहाँ का पीते पानी, बड़े गर्व से सब मिल बोलो हम हैं हिंदुस्तानी, बड़े गर्व से सब मिल बोलो हम हैं हिंदुस्तानी। देखिए महाराज, आपने कहा कि सब मिल बोलो तो समर्थन आया नहीं ठीक था। क्यों नहीं आया मालूम है आपको? क्योंकि आपने इनको मारने की घोषणा किया था, इसलिए ये आपसे सहमत नहीं है, अभी डर रहे हैं। पर अगर यही बात हम कहेंगे तो हमें विश्वास है कि समर्थन आएगा, इसलिए मैं कहता हूं सबके लिए अपने लिए ये तो आवश्यक है ही महाराज, पर एक बात और आवश्यक है, देह धरे कर यहां फल भाई। देश की सेवा करना तो ठीक है लेकिन हमारे इस मनुष्य शरीर का एक कर्तव्य और है, देह धरे कर यहां फल भाई, क्या भजिए राम सब काम बिहाई, बिहाई माने छोड़कर। परंतु मनुष्य का जीवन तीन प्रकार से ही लोग जी रहे हैं, जीवन में तीन ही इच्छाएं हैं, चाहे जिसका जीवन हो। क्या तीन इच्छाएं हैं? पहली इच्छा हमारा परिवार हो जाए,
दूसरी इच्छा हम धनवान हो जाए और तीसरी इच्छा है प्रतिष्ठा, हमारी प्रतिष्ठा बने, प्रतिष्ठा बन जाए, हमें प्रतिष्ठा मिले, हम प्रतिष्ठित हो जाए। और तभी मानसाचार्य जी लिखते हैं कि मनुष्य का जीवन कैसा है, सुत वित्त और लोक। सुत माने परिवार, वित्त माने धन, लोक माने प्रतिष्ठा। सुत वित्त लोक ईर्ष्या तीनी ओके ही करमति इनकत ना मलिनी। यही संसार में तीन प्रकार की ये इच्छाएं बनी ही रहती है जीवन, और यही इच्छाएं बनी रहती हैं तभी मनुष्य अपने कर्तव्य मार्ग से विचलित हो जाता है। मेरा कर्तव्य क्या है? अगर प्रभु ने मुझे ये मानव शरीर दिया है तो ये दिया किस लिए है? ऐसे नहीं मिल गया, इसके मिलने का कोई कारण हो। 84 लाख योनियों में श्रेष्ठ योनि है मनुष्य योनि। इसके मिलने का कारण केवल एक है, जीव काल कर्म और स्वभाव। फिरत सकल माया कर प्रेरा, काल और कर्म के बंधन में बंधा हुआ योनियों में भ्रमण करता रहता है। योनियों में भ्रमण ये इतना सरल नहीं है, बड़ी बात। जब योनियों का परिवर्तन होगा तो जन्म भी होगा, मृत्यु भी होगी, और जन्म और मृत्यु के समय दूसरा दुख मिलता है। जब ये बार बार क्रम बना रहता है, बार बार मरना पड़ता है, जीना पड़ता है, ये बार बार दूसरा दुख भोगते हैं, तब वो प्रभु देख करके द्रवित हो जाते हैं। इस भोग को भोग रहा है, इस कष्ट को देख करके वो द्रवित हो जाते हैं और मनुष्य का शरीर दे देते हैं। क्यों? क्योंकि मनुष्य के शरीर में सामर्थ्य है साधन धाम मोक्ष कर द्वारा। ये साधनों का धाम है, मोक्ष का द्वार है। हो सकता है कि ये संस्कृति आवागमन जन्म मृत्यु इनसे मोक्ष मिल जाए। क्यों? क्योंकि साधनों का केंद्र है, साधन करें और वो सब कुछ प्राप्त करें। लेकिन जो साधन करना चाहिए वो नहीं करते हैं, और जो नहीं करना चाहिए वो करते हैं। तभी भगवान कहते हैं कबहू की करी करुणा नर देही और देत इस बिन हेतु स्नेही। प्रभु ने ये मनुष्य शरीर दे दिया, कृपा करके जाओ कर्म करो, कर्म अच्छे करो तो अच्छा मिलेगा, बुरा करोगे बुरा मिलेगा। तो बुरा करने के लिए नहीं भेजा, अच्छा करो और अच्छा ले। भगवान का भजन करिए और इस संस्कृति से मुक्त हो जाइए। लेकिन जो सत्य है उसको बहुत लोग तो स्वीकार नहीं कर पा रहे, जो सत्य नहीं है उसको इस तरह से स्वीकार कर रहे हैं पूरा 100%। इस संसार में मनुष्य आकर के इस प्रकार से यहां व्यवस्थाएं करता है कि जैसे ये व्यवस्थाएं ही सत्य है। संसार में आकर इतनी मजबूती से मनुष्य अपनी व्यवस्था करता है, ये भी होना चाहिए, ये भी होना चाहिए, जैसे यही सत्य है। लेकिन सत्य ये नहीं, और ये भी होना चाहिए। देखिए हमारे श्री अनिल महाराज जी, अनिल महाराज जी की ओर से 501 रुपए रामलीला समिति को सहयोग राशि और 150 रुपए तीनों के लिए 151 रुपए उन्होंने सादर समर्पित किए हैं। अनिल महाराज जी को हृदय से साधुवाद है, उन्होंने समिति का सहयोग करके ये बहुत पुनीत कार्य किया है, तो उसके लिए उनको मंगल बधाई है। इसी तरह से वो धर्म के काम में आगे बढ़ते रहे, बहुत बहुत धन्यवाद। यही एक मार्ग है। तो महाराज विषय हमारा यह था कि जो सत्य नहीं है उसके प्रति हम इतना विश्वास के साथ जुड़े हुए हैं, और जो सत्य वहां से जुड़ाव ही नहीं बनता है। सत्य क्या है? प्रभु का भजन। तो प्रभु के भजन से वंचित रह जाते हैं, और संसार ये जो असत्य है इसको सत्य मान करके यहीं की व्यवस्था में लगे रहते हैं, और समय निकल जाता है तो फिर समय चूक पुनिका पछता। इसलिए प्रभु सत्य है, सबसे आवश्यक है। और देखें हमारे श्री खेतराम जी कुशवाहा, आपकी ओर से भी 251 रुपए समिति का सहयोग,
भाई बहुत बहुत धन्यवाद इनको भी। एक सिद्धांत बता रहा हूं महाराज, वारी मथे घट होए वरु, सिकता ते वरु तेल। यद्यपि यह संभव नहीं है कि बालू को पेरा जाए तो तेल निकल आए, जल को मथा जाए तो घी निकल आए, ये संभव नहीं है, पर आचार्य कहते हैं कि एक बार ये भी हो जाए। वारी मथे घट होए वरु, सिकता ते वरु तेल, पर बिन हरि भजन न भव तरीय, यह सिद्धांत अपेल, यानी अकाट सिद्धांत। तो जीव का यह परम धर्म है मेरे प्रभु मेरे श्री राम जी का भजन करना, तो ये जीवन सार्थक है। और अगर प्रभु का भजन होगा तो एक बात बता दूं महाराज, संसार में जो प्रभु का भजन करेगा उसके जीवन में कष्ट नहीं आएगा। यद्यपि संसार की रचना जब ब्रह्मा ने किया था तो इसमें केवल सुख नहीं में बनाया है, सुख और दुख दोनों को मिलाकर के सृष्टि की रचना की गई। आचार्य प्रमाणित करते हैं सुख दुख पाप पुण्य दिन राति साधु असाधु सुजात कुजाति दानव देव इत्यादि, और अंतिम में बताया कि जड़ चेतन गुण दोष मैं विश्वहीन करता। तो सुख और दुख दोनों मिलाकर के संसार की रचना हुई, लेकिन अगर प्रभु की शरण में आ गया तो फिर सुखे सुखे दुख नहीं है। क्यों? क्योंकि वहां का नियम है सुखी मीन जहानी रे अगाधा ओ जिमी हरि शरण नए कऊ नए कऊ। शब्द कहता है एक भी बाधा नहीं है, इसलिए मैं कहता हूं कि को भरी है को भरी है हरि के रीते रीतबे पुनि को हरि जो भरी है। समझिएगा उठपे ही को जही राम थपे ओ थपी है तही को हरि जो तरी है। अगर परमात्मा ने उखाड़ना चाहा उठपे तही को, अगर उनकी इच्छा रही कि ये स्थापित हो जाए तो फिर उठपे तही को कौन उखाड़ सकता है, और अगर उनकी इच्छा नहीं है कि ये स्थापित ना हो उखड़ जाए तो फिर उसको कोई स्थापित नहीं कर सकता है। अगर उन्होंने भर दिया तो रितवय पुनि को, रितवय माने खाली, फिर कोई खाली नहीं कर पाएगा, और अगर उन्होंने खाली करने की सोच लिया तो फिर कोई भर। आचार्य कहते हैं तुलसी यह जानी यही है अपने, अपने हृदय में ऐसा विश्वास रखिए, सपने नहीं काल होते डरिए, स्वप्न में भी काल से नहीं डरिए। क्यों? क्योंकि कुमया कछु हानि न औरन की। दूसरे लोग कुमया कितना भी बुरा चाहे लेकिन कोई हानि नहीं होगी। कब? कुमया कछु हानि न औरन की, जो पे जान की नाथ माया करी है। अगर इन्होंने ममता बनाई रखी, इनका प्यार बना रहा, इनकी दया बनी रही, कृपा बनी रही, तो फिर संसार के दूसरे लोग कितना बुरा चाहे बुरा हो नहीं। अब आप कुछ कहेंगे तो कह दीजिए, मैं तो कहने के लिए बैठा हूं। कहबु लखन मुनि सीन तुम्हारा, को नहीं जान विदित संसारा। हमने सोचा आप कुछ कहेंगे, आपने फिर हमारे नाम लगा दिया, फिर हम ही को कहना पड़ेगा। महाराज संसार में आपकी सब लोग जानते हैं, क्या जानते हैं? सब जानते हैं शीलता, कितने शीलवान हैं आप। शीलता क्या है? माता पिता ही ऋण भैनी के गुरु ऋण रहा सोच बड़ी जी के। संसार में माता और पिता के ऋण से कोई ऋण नहीं हो पाता है, माता के ऋण से तो कोई ऋण ही नहीं हो पाता है, लेकिन आप ऐसे हैं कि माता पिता ही ऋण भय, माता और पिता के ऋण से भी आप ऋण हो, बड़ी बात है।
फिर भी एक ऋण शेष है। तो जब आप मातृ ऋण से ऋण हो गए हैं, जो बहुत कठिन है, पितृ ऋण से ऋण हो गए हैं, तो फिर गुरु ऋण रहा सोच पर। सोचने के लिए गुरु ऋण क्यों रह जाए, क्यों रह गया, क्या कारण है? सो जनु हमारे माथे काढ़ा, क्या इसलिए शेष है कि हम पूरा करेंगे? तो दिन चली गया ये ब्याज बहु बाढ़ा। अगर हम ही को पूरा करना है तो देखो फिर हम ब्याज वहां जब वहीं बढ़ने देंगे, हमारा काम तत्काल रहता है। अब ब्याज नहीं बढ़ेगी, बहुत ब्याज बढ़ चुकी है, बहुत दिन बीत गए, दिन चली गए हो, दिन चढ़ गए हो। देखिए हमारे त्रिन सुखलाल राणा जी, आपकी ओर से क्या मुद्राएं प्रस्तुत संवाद में भेंट है, बहुत बहुत धन्यवाद। अब तुरंत किया जाए, क्या किया जाए? अब आनिए प्योहरिया बोली, तो तुरंत देवो मैं थैली खोली। आप अति शीघ्र अपने व्यवहारी को बुला लीजिए, जिसे मैं गुरु ने दे करके ये ऋण से भी आपको मुक्त कर। चलिए लक्ष्मण के आज संपूर्ण चरित्र में केवल व्यंग निकला, लेकिन व्यास एक बात, एक चर्चा बड़ी अच्छी हुई लक्ष्मण की। मेरा मानना है ये संसार है स्वार्थी, लेकिन स्वार्थी संसार में स्वार्थ कैसा होना चाहिए? बाबा लिखते हैं मानस, लिखते क्या है कि स्वार्थ सांच जीव कहा अमन पद वचन राम पद नेहा। स्वार्थ होना चाहिए परमात्मा के प्रेम का। लक्ष्मण कहता है प्रतिष्ठा के लिए लोग मरते हैं, लेकिन प्रतिष्ठा कैसे मिलती है? कवियों ने लिखा कि तप बिना साधना होती नहीं, साधना के बिना सिद्धि होती नहीं। बिना तप के साधना नहीं हो सकती और साधना के बिना सिद्धि नहीं मिल सकती। तभी तो कहा गया है कि तप बल रचई प्रपंच विधाता, तप बल करई विष्णु जगत्राता, तप बल शंभु करही संघारा, तप बल शेष धरही मही भारा, तप बल पित्र सदा परियारा। तप के बल से ही ब्राह्मण भी श्रेष्ठ हुआ। तो अगर आपको प्रतिष्ठा पानी है, प्रसिद्धि पानी है, तो आपको तप करना पड़ेगा। और तप कैसा? भगवान के चरणों में अनुराग करते रहिए, जीवन में आपको प्रतिष्ठा भी, प्रसिद्धि भी और सिद्धि सब कुछ आपको मिलेगा। अब आनी। और देखिए हमारे श्री मुलायम सिंह जी परिहार, हमारे श्री साधुवाद है। व्यासी व्यवहार आने लगा। देखिए लक्ष्मण ने कहा माता के ऊपर भी व्यंग कर दिया। माँ एक ऐसी परम शक्ति का नाम है, जब इस संसार का हर प्राणी आपका साथ छोड़ दे, उस समय भी आपके हाथ को, आपके साथ को कभी ना छोड़ने वाली उस शक्ति का नाम माँ। तभी तो कहा गया कि माँ की ममता कैसी, कि तौली गई ममता अरु प्यार को मापा गया, पर मैया की ममता मापुने पैमाना कहां पाओगे, पाओगे
शक्ति वैभव पर मैया का प्यार दोबारा कहां पाओगे। सबकी है तौल नहीं इसकी कोई तौल, क्योंकि मैया की ममता का नहीं कोई मोल, मैया की ममता का नहीं कोई मोल। लक्ष्मण कहता है कि परशुराम जी ने अपनी माता का वध किया। एक बार हुआ क्या कि मेरे पितु ने आदेश दिया, जाओ मैया का वध कर दो। मैंने पूछा क्यों, तो कहते हैं कि मैं प्रेम पुजारी श्रोणित हूं, मेरे उर में आनंद भर दो। मैं फरसा लेकर खड़ा हुआ, मैया बलिदान चाहती थी, मेरे ही हाथों मर करके कल्याण मेरा वो चाहती थी। मैया के सम्मुख पहुंचा, मैया ने कहा राम मुझे मत मारो। मैंने कहा माँ अगर आज मैंने तुम्हें नहीं मारा तो इस संसार से सभी पिताओं का अपने पुत्रों से भरोसा समाप्त हो जाएगा, विश्वास समाप्त हो जाएगा। माँ ने कहा राम मेरी एक आखिरी इच्छा है। मैंने कहा माँ अपनी आखिरी इच्छा के फलस्वरूप तुम अपने बेटे से अपने प्राणों को मांग लो, मैं इसी पर्व से अपनी ग्रीवा का छेदन करके आपके चरणों में अर्पित कर दूंगा। मेरे इतना कहते ही मैया ने मुझे अपने गले से लगा लिया और रोते हुए कहती है कि लाल मेरे लाल आंसू ना बहाना, दूध ना लजाना लाल दूध ना लजाना। इतना कहते ही कर से कुठार मेरा छूट गया, पत्ते की तरह मैया का सिर सारे शरीर को छोड़ गया। मैं सिसक कर रोता था। पिताजी का आगमन हुआ, पिताजी कहते हैं राम वरदान मांगो। मैंने कहा माँ के साथ सभी आशाओं का विनाश हो गया। पिताजी ने कहा राम वरदान मांगो। मैंने कहा माँ के साथ सभी आशाओं का विनाश हो गया। पिताजी ने कहा राम वरदान मांगो। मैंने कहा अगर आप मुझे वरदान देना चाहते हैं तो मेरे भाइयों सहित मेरी माँ को पुनर्जीवन दे दीजिए और साथ में उन्हें इस घटना का स्मरण भी ना रहे। इस संसार का एकमात्र पुत्र ऐसा परशुराम ही है जो अपने माता और पिता के ऋण से मुक्त है, बचा गुरु का ऋण। लक्ष्मण कहता है अपने व्यवहारियों को बुलवा लीजिए, मैं सारा व्यवहार चुका दूंगा। भगवान शंकर हमारे व्यवहारी हैं, मैं उनके पास स्वयं जाऊंगा। और इस सभा का बैठा हुआ हर्ष भक्त हमारा व्यवहारी है। देखें हमारे सुनीता दे दुर्लभो धर्मस्य ज्ञाता, धर्म को जानने वाले बहुत कम। धर्म को बताने वाले उससे भी दुर्लभ है। धर्म को कर श्रोता तथो अपि श्रद्धावान, जो सुनने वाले हैं वो भी दुर्लभ है, और जो धर्म का आचरण करते हैं ऐसे लोग तो बहुत ही दुर्लभ हैं इस संसार में। इस गांव के लोगों ने इतना बड़ा आयोजन करवाया, इस आयोजन से मिलता क्या है? क्योंकि परमात्मा जब साकेत धाम को जा रहे थे तो परमात्मा के साथ साकेत धाम पांच लोग नहीं गए, उनमें से एक हमारे अनंत बलवंत हनुमंत लाल जी। क्यों नहीं गए? क्योंकि वो कहते हैं कि वहां परम धाम में आपकी कथा नहीं सुनाई जाएगी, यहां उन्हें कथा सुनने को मिलेगी। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र कृतमस्तकांजलिम वाष्पवारि परिपूर्ण लोचनम
मारुतिम नमत राक्षसांतकम। जहां जहां परमात्मा का कीर्तन होता है वहां वहां हमारे हनुमान जी महाराज विद्यमान होते हैं। और उनके पास है क्या? अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता। अष्ट सिद्धियां हैं, नौ निधियां हैं। तो जहां हनुमान जी महाराज होंगे ये अष्ट सिद्धियां और नौ निधियां भी मिलेंगी। एक सबसे मूल तत्व उनके पास है, राम रसायन तुम्हारे पासा। परमात्मा को प्राप्त करने का एक साधन है, एक भक्ति मार्ग जो उनके पास है। सभी के लिए मंत्र से आशीर्वाद। ओम की होवे सुखी संसार हे प्रभु, और निरामय हो सभी, कल्याण को पावे सभी, पावे न कोई दुख कभी, धर्म की जय हो सुशीघ्र, अधर्म का प्रभु नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। भगवान शंकर आप सभी के जीवन में अनंत मंगलमय प्रदान करे, ऐसी मेरी कामना है। व्यासी लखन वचन आहुति सरिस ठगुर को प्रसाद। लक्ष्मण के वचन आहुतियां हैं और मेरा क्रोध प्रचंड अग्नि। अब इस अग्नि को शांत करने के लिए ऐसी बाणी सुनाई जाए जिससे शांत